नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हो वाता मेवाड़ी। आज एक खबर हूं, घनी दुखी हूं, समझ में नहीं आई रही है कि कितर बात करूं न कई को बोल ही नहीं फूट रहा। लसाड़िया वाली घटना जदी हुणी है, मन जाने उड़ियो उड़ियो है। मारे मन में नरिहारी बात आई रही है कि ये कशा बाप है जो राक्षस वच्चे भी गया विद्या। अब ये कितर कोई बाप बेटी रे रिश्ता माते भी भरोसा करेगा। अब आर तक तो यूं हो कि बाणे भेड़िया जरक बैठा है, पण घर में तो बेटी बाप रे कालजारी कोर ही, पण यो समाज में अबे कई भी क्यों। उदयपुर रे लसाड़िया थाना इलाका में हगी 16 साल री बेटी रो आरोप है कि एक सालू शराब रा नशा करीन पिता जो है वो दुष्कर्म कर रो है। दो दिन पहला वणी बेटी जो है अपनी माँ ने हंगली बात बताई और अबे जो है दो ही जनी थाने पहुंची और मामलो दर्ज करायो। माँ यूं क्यों कि वंडो पति जो है नशा रो आदि है, नशा करवारी आदत है वंडी, और तीन दिन पिल्ला पहली भी जो है पिता वंडी बेटी लारे गंदी हरकत की दी और बेटी ने पेट में दुखवा लागियो और वणी ऊँ कही वंडे दिक्कत वेवा लागी तो पचे वणी माँ ने शक दियो और अबे जो वणी शक दियो तो बेटी ऊँ बात की दी और बात की दी तो वणी बेटी जो है सब बात माँ ने की दी और अंडे बाद पचे अस्पताल जैन और पचे माँ और बेटी ने ले लसाड़िया थाने पहुंची और थाने पहुंची जो है या रिपोर्ट दर्ज करे। अब आर तक तो दारूडिया ने भी माँ माँ इस नजरे आती, बेन बेन इस दिखती न बेटी हूँ तो मनक मुंडो हपावे कि दारू पीन हमें कितर जाऊँ, पर अबे तो वाह मर्यादा भी नहीं रही। या पूरी आप बीती हुणीन पुलिस जो है मामलो दर्ज कर ली दो और आरोपी जो है वंडे माते पहली भी गांवरी एक महिला है दुष्कर्म रो आरोप लगायो थको हो और मामलो दर्ज करवायो हो, वंडी गिरफ्तारी भी हुई और 8 महीना तक यो बाप जो है यो आदमी जो है 8 महीना तक जेल में भी रियो और अंडे बाद अबे पाचो यो आरोपी जमानत पे बाणे आयो और न बाणे आईन अना फिर असा कर्म कर दीदा। गिन आवे बात करता, एक जनक असा कुकर्म कितर कर सके, असो करना छोड़ो असी नजरों भी कितर देख सके अपनी बेटी ने। आज मैंने बड़ा बूढ़ा रिबा बात याद आई रही है कि माँ पापनी पण आपनी बाप हेरा रो, हाँ माँ कतरी भी खराब वही सके पण वा माँ वेणो कदी नहीं भूल सके। पर असा बाप ने देखीन या कहावत बिल्कुल ठीक लाग रही है कि वाकई में असो वही सके। वो बाप तो मनक जमारो लेन भी खोटी वही गयो। आरोपी रे खिलाफ शनिवार देर शाम ने मामलो दर्ज भी हो और वनडे खिलाफ पहला भी दुष्कर्म रो मामलों में आपने बताया हो कि दर्ज भी हो थको और 8 महीना वो जेल में रियो थको, तो एक तरह वंडी तो मानसिक स्थिति वसी भी थकी है। और थानाधिकारी विजेंद्र सिंह यूं कियो कि आरोपी जो है इंसानियत ने शर्मसार कर दी दी है, वणी आपनी इस बेटी हूँ दुष्कर्म की दो और मार रे लारे वा बेटी जो है थाने पहुंची और 16 वर्षीय वा बेटी ही और वणी आरोप लगायो कि पिता जो है एक साल वंडे लारे या गंदी हरकत कर रियो और माँ ने कर भी कितर रियो कि माँ ने मारवारी धमकी दे इन वणी ये काम किदा है, बेटी देखियो अगर मुँह कई कहूँगा करने कहूँगा या कई ने भी बताई दूंगा हाको भी कर दूंगा तो मारी माँ ने यो मार देगा, अणी वजह जो है पिता वा या धमकी दे इन और वंडे बाद में वणी ये सब दुष्कर्म रा काम किदा। मामलो दर्ज व्यवहार बाद आरोपी ने अंडी भनक लागी, चोर ने तो चांदनो पहली हुजे तो अंडे बाद कही है कि वो गाँव फरार वे गयो और रविवार देर रात आरोपी जो है घासारा जंगला में जई छुपियो तो को तो वटू ने पाछो गिरफ्तार कर ली दो। अबे आप बताओ असा बापरी कई सजा वेणी छावे, मारे हिसाब तो जत्री दो वतरी का। जय सियाराम। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री, फिर चाहे शादी हो पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है, स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है, बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी
बाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।